सिंगरौली जिले की चितरंगी पुलिस ने युवक के अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी गोहा सिंह गौड़ एवं रामानुज सिंह गौड़ ने ग्राम खोखवा में घर के बाहर सो रहे लाल सिंह की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त हथियार सहित मोटरसाइकिल बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है। इसका घटना से संदिग्धता पुलिस की थी, जैसी रिपोर्ट हुई है इस घटना की, ये दिनांक 21-22 की रात्रि की घटना है 1 बजे की, और ये जो मृतक है ना सेनलाल सिंह, ये अपने घर के बाहर चरपाई पे सो रहा है और इसकी किसी ने जो है गर्दन पे घाव करके हत्या कर दी, इस टाइप की रिपोर्ट हुई थी। टोटल अपराधी का कोई जानकारी नहीं हम लोगों को, जैसे ही रिपोर्ट हुई है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को, एडिशनल एसपी साहब को अवगत कराया, एसडीपी साहब को अवगत कराया, उनसे दिशा निर्देश प्राप्त किए, उसके बाद अपने सब इंस्पेक्टर लालमणि मनोज सिंह और पूरा दल जो है मौके पर पहुंचा है। FSL टीम आई है सागर से, SDOP साहब घटनास्थल पर पहुँचे, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, उनके दिशा निर्देश में जो निर्देश दिए गए हम लोगों ने उस लाइन में विवेचना उसकी की है, चालू की है, तो उसका खुलासा हुआ अज्ञात अपराधी उनकी जानकारी पुलिस को मिली और रात में दबिश देकर मेहनत करके दोनों अपराधी को पकड़ाए। थे दो अपराधी, अपराधी का नाम है गोहा सिंह गौड़, पिता राम कृपाल सिंह गौड़ 26 साल का है, और रामानुज सिंह गौड़ रंगनाथ सिंह गौड़ 27 वर्ष का है, ये मोहगढ़ी का है और ये खुकवा गांव का है। अब कहानी ये है, जो गोहा सिंह गौड़ है इसकी बच्ची की तबीयत खराब थी, 3 साल की बच्ची थी, छोटे लड़के की तबीयत खराब थी, 1.5 साल का लड़का था, तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो इसने जो है अपनी चाची पे शक किया टोना था, इस टोने को लेकर इस अपराधी गोहा सिंह की पत्नी अपनी चाची सास है लाल बत्ती सिंह से झगड़ा कर रही थी आपसी में, तो झगड़े में क्या हुआ, जो मृतक है सिंहलाल सिंह, इसने उस चाची का सपोर्ट कर दिया, उसका पक्ष लिया चाची, नाती का नहीं लिया गोहा सिंह बोल कर, इससे वो नाराज़ हो गया, नाराज होकर तत्काल जो है अपने बीवी बच्चे लेके मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल मोहगढ़ी चला गया। मोहगढ़ी में उसने अपने बच्चों का इलाज कराया, ठीक नहीं हो रहा, उसका साला है रामानुज सिंह गौड़, ये दोनों आप घोषित रहे कि ऐसी बात अगर है तो फिर उन लोगों ने योजना बनाया और रात में मोटरसाइकिल से पुणे ग्राम खोखवा पहुँची, और ये मृतक जो है सेनलाल सिंह गौड़ 63 साल की उम्र है, और ये इसका नाती लगता है गोहा सिंह इसका नाती लगता है, और गोहा सिंह का साल रामन कौन थे सौदे में गले में जो है बलुआ के चोट पहुँचाई और मौके पर ही फोटो, ये कहानी है। और इस अंधी हत्या के खुलासे में जो है वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन दिशा निर्देश रहा है, जिससे इस अंधी हत्या का जो है खुलासा हो सका है, उसमें हमारे थाने के उप निरीक्षक जो है लालमणि साकेत मनोज सिंह, प्रधान आरक्षक ओम प्रकाश पांडे, अनूप यादव, महेंद्र चौरसिया, जयप्रकाश चंद्रकेश, ओम प्रकाश शर्मा, राजेश मित्रा, ये सबकी टीम जो है राजी बहुत मेहनत की है, तब अपराधियों को हम लोग गिरफ्तार करने में और अंधी हत्या खुलासा करने में सफल हुए।